दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में कुछ शर्तों के साथ पटाखा बिक्री को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि कोशिश की जाए कि कम प्रदूषण वाले पटाखों का इस्तेमाल हो ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंच पाए और केवल लाइसेंस धारक दुकानदार ही पटाखे बेच पाएंगे। पटाखा बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कुछ शर्तें हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दिवाली पर लोग रात 8 बजे से 10 बजे तक, क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 12:15 बजे से लेकर 12:15 बजे तक ही पटाखे बजा पाएंगे। इसके अलावा कोई भी विक्रेता ऑनलाइन पटाखे नहीं बेच पाएगा। और पटाखा बनाने की फैक्ट्री की जांच करे प्रशासन और सुनिश्चित करे कि पटाखा बनाने में हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तेज आवाज वाले पटाखों को न जलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं, पटाखा निर्माताओं और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दलीलें सुनने के बाद 28 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। तमिलनाडु सरकार, पटाखा विक्रेताओं और निर्माताओं ने कहा था कि ठंड के महीने में प्रदूषण कई वजहों से होता है और बिना किसी सटीक अध्ययन के इसके लिए पटाखों को जिम्मेदार ठहराना गलत है और पटाखों की गुणवत्ता सुधारने पर काम होने चाहिए।